सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक काउल नेक टॉप की कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक काउल नेक टॉप जो है बना के रखा है। सो ये आप देख सकते हो, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज से पहले आपने यूट्यूब पर ये टॉप की ट्यूटोरियल कहीं पर भी नहीं देखा होगा। इससे पहले मैंने एक काउल स्लीव्स का वीडियो बनाया था जो कि बहुत से लोगों ने देखा है, और उस वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था एक काउल नेक टॉप के बारे में। सो गाइस, फाइनली आज हमने इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो लेके आया है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैंने इसके ऊपर हमने डिटेल्स में बताया है कि किस तरीके से आप जो है ये कटिंग कर सकते हो, और इसका स्टिचिंग हमने बताया कि किस तरीके से आप इसको स्टिचिंग भी कर सकते हो। सो आप एक एक पॉइंट को देखना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी वीडियो मिलते रहेगा। और इससे पहले मैंने इस तरीके से और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो बना के रखा है फैशन डिजाइन से रिलेटेड, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये ड्रेपिंग टॉप को कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने 36 का मेजरमेंट का यूज़ किया है। आप यहाँ पे अपने मेजरमेंट को भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं 36 के हिसाब से एक टॉप की कटिंग कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर ले लेंगे। जैसे आप यहाँ पे नॉर्मल टॉप की कटिंग करते हो उसी हिसाब से करना है आपको। सो यहाँ पे मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा शोल्डर है 14 इंच का, तो हम यहाँ पे 7 इंच पर मार्क करूँगा, और ये नेक के लिए यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क कर रहा हूँ। और यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे, और उसके बाद इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। फिर हम यहाँ से 7 इंच पे मार्क करेंगे जो हमारा शोल्डर था। उसके बाद ये लाइन को हम सीधा करेंगे, फिर हम ये लाइन से 7 इंच पे मार्क करेंगे जो कि हमारा आर्महोल के लिए हो जाएगा। फिर इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरा ये 36 का साइज़ है, तो हम यहाँ से शोल्डर से हम 15 इंच पर मार्क करेंगे जहाँ पर हमारा वेस्ट का लाइन होगा। उसके बाद हम यहाँ पे 22 इंच पे हिप्स का मार्किंग करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जितना लंबाई रखना है टॉप का उतना आप यहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ पे मेरा जितना पेपर है उतना मैं लंबाई इसको रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे ये लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने ये तीनों लाइन जो है ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पर अभी हम इसका बॉडी का जो मेज़रमेंट है उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। सो यहाँ पर मेरा ये 36 का मेज़रमेंट है जो कि हमारा 36 इसका चेस्ट साइज़ है। सो हम यहाँ पे 36 के हिसाब से चेस्ट लाइन यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे कर लेता हूँ। उसके बाद इसका जो बेस्ट है वो है 30 इंच, तो हम यहाँ पे थोड़ा लूजिंग के साथ यहाँ पे 8 इंच पर मार्क करता हूँ। और यहाँ पर मेरा हिप्स नहीं है, सो हम यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर हिप्स हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद ये लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, और अभी हम यहाँ पे हमारा जो आर्महोल है उसका मार्क कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक टॉप का मार्किंग कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। आप इसको अपने माप के अकॉर्डिंग करेंगे, और यहाँ पे आपको जितना लंबाई रखना है आप वहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे हम अभी बैक का जो नेक है उसका मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, और अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने लंबाई कट किया था इसको इस तरीके से शेप दे के थोड़ा राउंड शेप लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बैक का कटिंग हो गया है, और अभी हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को पहले एज इट इज़ इसकी जैसा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे ड्रेप के लिए। तो सबसे पहले हम इसका मार्किंग उठा लेते हैं जो हमने बैक का कटा था। यहाँ पे हमने ये मार्किंग कर लिया है, और अभी हम इसका जो आगे का आर्महोल हम गोलाई देते हैं वो भी हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क करके इसको कटिंग कर लेंगे, और अभी हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। सो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, और अभी हम ये फ्रंट वाले पार्ट पे काउल वाले नेक का ड्राफ्टिंग करेंगे। और ये ड्राफ्टिंग करने से पहले आपको ये सारे चीज़ नोट करना पड़ेगा जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका जो काउल है वो कहाँ तक आपको चाहिए, जैसे कि ये हमारा वेस्ट का लाइन है, यहाँ पर आप वेस्ट लाइन तक भी इसका काउल जो है लेके आ सकते हो, या फिर ये वेस्ट लाइन से नीचे भी लेके आ सकते हो हिप्स तक। सो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो काउल है वो कहाँ तक चाहिए। तो यहाँ पर मैं इतना तक काउल जो है लेके आता हूँ, उसके बाद हम बनने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से ये बनता है। सो आप इसको देखते रहिए। तो यहाँ पे हमने ये जो वेस्ट लाइन है उससे 1 इंच नीचे हमने एक मार्क किया है जहाँ तक हमारा ये काउल का इफेक्ट आने वाला है। सो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि यहाँ से एक कट लगा के जो है काउल बनाते हैं,
बट यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा काउल चाहिए और इसका लुक जो है और अच्छा आना चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी आप देखेंगे। सो ये जो लाइन है इसको हम इस तरीके से लेके जाएंगे यहाँ तक, आर्मोल के नीचे जो चेस्ट का निशान लगता है वहाँ तक हम इसको इस तरीके से क्रॉस लाइन मार्क करेंगे इस तरीके से। उसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे और इस तरीके से हम चार पाँच लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने यहाँ पे इतना सारा लाइन जो है ड्रॉ कर लिया है और अभी हम ये सारे लाइंस को कट लगाने वाले हैं इस तरीके से। सो ये जो कट है ये पूरा नहीं लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना है और इस तरीके से ये सारे लाइंस को हम इस तरीके से कट लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे लाइंस को हमने कुछ इस तरीके से जो है कट लगा लिया है और अभी हम इसको एक पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे। सो इसको हम पहले इस तरीके से हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और अभी हम ये जो ड्राफ्टिंग किया था फ्रंट वाले पार्ट को इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। जो हमारा न्यूज़पेपर है वो हमारा शोल्डर की तरफ इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा रखा है और ये जो फ्रंट वाला पार्ट हमने कट लगाया था उसको हमने इसके ऊपर इस तरीके से रखा है। ये जो आपका फोल्डिंग वाला पार्ट रहेगा यहाँ पे हमने थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के रखा है, उसके बाद हमको इस तरीके से ये पेपर को रखना है। सो ये देखिए इस तरीके से इसको रखना है और ये पेपर को इस तरीके से बिछाना है, ये देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम ये वाला पार्ट को इसके साथ अटैच करते हैं। तो ये देखिए ये जो पार्ट है इसको हमने इस तरीके से अटैच किया है कि हमारा ये जो पार्ट है इस पर हमने न्यूज़पेपर जो है एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम ये जो गैप रखेंगे वो हम रखेंगे 2.5 इंच पे। तो यहाँ पे हमने एक 2.5 इंच जो है इसका गैप रखा है और इसको हमने अटैच कर दिया है और सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर भी इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। और यहाँ पर हमने इसका जो गैप है इसको हमने कम कर दिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने जो है इसको अटैच कर दिया है और अभी हम क्या करेंगे ये पॉइंट से, अभी हम ये पॉइंट से इसको हम सीधा रखेंगे इस तरीके से, ये लाइन को हम इस तरीके से सीधा लेकर आएंगे। तो ये देखिए ये पॉइंट को हमने यहाँ से सीधा किया है, यहाँ पे हम जब फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो ये लाइन से हम इसको भी सीधा लेकर आएंगे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट है, ये मार्क हमारा शोल्डर है और ये देखिए ये हमारा शोल्डर है। और अभी आपको जो करना है तो यहाँ पे आपको जो नेक का मेज़रमेंट है वो आपको निकालना है। तो नेक का मेज़रमेंट कैसे निकालना है, सो ये देखिए ये आपका नेक है, ये आपका बैक नेक है और यहाँ से हम नेक का डीप नापेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पे 9 इंच का डीप चाहिए तो हम यहाँ पे 9 इंच मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 9 इंच है और इसको अगर हम डबल करेंगे तो हमारा ये 18 इंच पे होगा, तो हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा ये 19 इंच होता है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो हम रखेंगे 9 इंच पे और यहाँ पे आप जो नेक है इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये 9 इंच है तो इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नेक का राउंड होगा वो हमारा हो जाएगा 18 इंच पे। तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे आप ये नेक जो है ये कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने जो नेक का मेजरमेंट रखा है वो हमने रखा है 19 इंच पे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था इसके शोल्डर वाले पार्ट पे, यहाँ पे हम हमारा नेक का जो मेज़र किया था हमने वो मार्क करेंगे। तो हमारा जो नेक था वो हमने रखा था 9 इंच पे और हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा जो पेपर है यहाँ तक हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम 9.5 इंच पे मार्क करते हैं और उसके बाद ये लाइन और ये हमारा जो शोल्डर वाला लाइन है उसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से मिलाना है, ये शोल्डर लाइन को इस तरीके से मिला के लेके आना है। और अभी आप पूछोगे कि ये जो डिस्टेंस है ये आपको कितना रखना है, सो यहाँ पे आपको एक मेथड देखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो शोल्डर है इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है तो ये जो प्लीट यहाँ पे हमारा लगने वाला है यहाँ पे आप जितना प्लीट लगाना चाहते हो उतना आपको एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना प्लीट हमारा बनता है। और अगर आपको पहले से पता है कि आपको कितना प्लीट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ये जो शोल्डर का लाइन है इसको आप ऊपर भी लेके आ सकते हो नीचे भी लेके आ सकते हो। सो यहाँ पे हमारा जितना पेपर था उसको हमने यूज़ किया है और ये जो लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 26 इंच है और 26 को हम प्लीट लगा के जो हमारा शोल्डर लाइन बनेगा वो हमारा 4 इंच है तो हम 4 इंच पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 26 इंच है यहाँ पे प्लीट होके ये शोल्डर पे आने वाला है। तो ये जो प्लीट से यहाँ पे आप ऊपर लेके जा सकते हो ज़्यादा प्लीट सबको चाहिए तो। और अभी हम क्या करेंगे इसको कट कर लेंगे। सो ये देखिए ये जो हमने सीधा लाइन ड्रॉ किया था सबसे पहले हम इसको कट करेंगे।
उसके बाद अभी हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। और अभी ये हमारा आर्म होल है और ये हमारा साइड का पार्ट है, तो हम इसको भी इस तरीके से कट कर लेते हैं। और अभी हम ये वाले पार्ट को भी जॉइंट लगा लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। सो यहाँ पे हमने एक पेपर ऐड कर दिया है और इसको हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे एज इट इज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ये किस तरीके से कटिंग हुआ है, ये देखिए, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको कट किया है फ्रंट वाले पार्ट को। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है कटिंग हो चुका है और ये हमने बैक वाला पार्ट जो है पहले ही कटिंग कर लिया था। सो अभी हम इसको फैब्रिक पे कटिंग करेंगे और आपको स्टिचिंग करके बताएंगे। सो आप वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास ये फैब्रिक है, ये लाइक्रा फैब्रिक है और यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक है। अगर आपको बनाना हो तो ये आपको 2.5 मीटर जितना लगेगा जितना हमने लेंथ रखा है, और अगर आप इसका लेंथ और बढ़ाते हो तो आपको 3-3.5 मीटर की फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये हमारे पास लाइक्रा है और इसको हम इस तरीके से पहले डबल फोल्ड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और अभी हम सबसे पहले ये बैक वाला पार्ट को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फैब्रिक को डबल बिछा लिया है, उसके बाद ये जो हमारा बैक का पैटर्न है उसको हमने इस तरीके से रखा है और अभी हम इसका मार्जिन रखेंगे यहाँ पर जितना आपको सिलाई के लिए चाहिए और उसके बाद इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और ये साइड का भी हमने मार्जिन यहाँ पर नहीं रखा है तो यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। और इसका जो लेंथ है जैसे मैंने आपको बताया था ये अपने अकॉर्डिंग इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा बैक का कटिंग हो गया है इस तरीके से, ये आप देख सकते हो ये बैक नॉर्मल ही है जैसा आप कटिंग करते हो सब में। तो इसको हम इस तरीके से हटा देते और अभी हम इसका फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको हम कटिंग करेंगे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके ये फैब्रिक को पूरा बिछा लिया है। उसके बाद ये जो हमने पैटर्न कट किया था उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये आप देख सकते हो इसको हमने किस तरीके से इसको बिछाया है। और अभी हम इसको जो है कटिंग कर लेंगे, इसका भी हम इस तरीके से मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग करेंगे। ये हमारा साइड वाला पार्ट है और यहाँ पर भी हम इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और ये हमारा लेंथ है और ये हमारा आर्म होल है, इसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सो ये हमारा आर्म होल कट हो गया है और ये हमारा शोल्डर है और यहाँ पे अभी हम शोल्डर पे मार्क कर लेंगे जहाँ पे हमको प्लीट्स लगाना है। तो ये हमारा जो शोल्डर है यहाँ पे आप देख सकते हो ये 26 इंच का है और यहाँ पर हमको अभी कैलकुलेट करना है प्लीट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर हमारा 26 है, अगर हम 4 इंच का प्लीट्स का फैब्रिक लेते हैं तो हमारा यहाँ पर 6 प्लीट्स आएगा, तो हम यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा 4 है, उसके बाद हम इसको 4-4 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 26 इंच का शोल्डर है और अगर हम यहाँ पे 6 प्लेट्स लगाते हैं तो अगर हम 4 इंच पे लगाते हैं तो हमारा 24 इंच पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो 2 इंच है उसको हमको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो अगर हम 4 इंच से थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे प्लेट्स के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए 4 इंच से अगर हम थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा जो 26 इंच है वो हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 4 इंच से थोड़ा ज़्यादा मार्क करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 26 इंच पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एक कट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एक कट लगा लिया है ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आपको प्लीट्स लेना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट जो है कटिंग हो गया है और अभी हम इसको मशीन पर चलते हैं और इसको स्टिचिंग करके बताते हैं, उसके बाद आपको मैं फाइनल लुक भी दिखाने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियो पर और चलते हैं मशीन पर, आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से स्टिचिंग करना है। तो ये हमारा बैक का पार्ट है, इस पर हमारा कोई काम नहीं है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट का आर्म होल वाला पार्ट है और ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट है। ये देखिए ये हमारा शोल्डर है पूरा और ये हमारा नेक वाला पार्ट है और ये नेक वाले पार्ट को यहाँ पर आप इसको फिनिश भी कर सकते हो हेम करके। और यहाँ पर मैं इसको सीधा इस तरीके से फोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद ये जो हमारा प्लीट्स का निशान हमने लगाया था उसको हम इस तरीके से लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमने जो भी प्लीट्स का निशान लगाया था वो हम इस तरीके से लेके आएंगे इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम एक प्लीट्स ले लेंगे इस तरीके से। तो ये टोटल जो हमारा है ये 4 इंच पे आना चाहिए। तो
तो ये थोड़ा कम है, तो हम इसको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे और इसको हम इस तरीके से स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक साइड का प्लीट्स जो है लगा लिया है और ये हमारा एक साइड का हो गया है। और अभी हम इसको दूसरे साइड का करेंगे, तो दूसरे साइड का भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे जो नेक वाला पार्ट है इस तरीके से, और बाकी के प्लीट्स हम इस तरीके से लेकर आएंगे और इसको हम नाप लेंगे कि ये हमारा एक जैसा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया है और अभी हम इसको स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों शोल्डर पे प्लीट्स लगा लिया है और अभी हम इसको बैक वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट का सीधा वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए ये सीधा वाला पार्ट हम अंदर की साइड रखेंगे और इसको हम बैक के शोल्डर के साथ इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। और ये हमारा दूसरा शोल्डर है, इसको भी हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका शोल्डर जो है ज्वाइन कर दिया है और ये जो नेक है ये नेक को आप अपने अकॉर्डिंग आपके हिसाब से फिनिश कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक पाइपिंग जैसे फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये नेक को फिनिश करने के लिए एक इस तरीके से पट्टी कटिंग किया है और इसी से हम इसको अभी फिनिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो नेक है इसको हमने इस तरीके से पट्टी रख के फिनिश कर दिया है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो हमारा आर्मोल है यहाँ पे आप चाहो तो स्लीव्स भी रख सकते हो या फिर आप इस तरीके से ये आर्मोल को भी फिनिश कर सकते हो, स्लीवलेस बना सकते हो। तो यहाँ पे हम आर्मोल को फिनिश कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने दोनों साइड का आर्मोल जो है फिनिश कर दिया है। अभी हम इसका साइड का सिलाई लगा लेंगे, साइड का जो भी आपका फिटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से स्टिचिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने साइड का सिलाई जो है लगा लिया है और दोनों साइड का हमने सिलाई लगा लिया है और ये नीचे का भी आप अपने अकॉर्डिंग फिनिश कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा ये स्टिचिंग कम्प्लीट हो जाता है और अभी हम इसको लेके चलते हैं डमी पे और इसको पहना के इसका लुक जो है देखते हैं कि कैसा बना है। सो गाइज आई होप आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है पहले देख सको। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इस टॉप के ऊपर सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख रहा है या फिर आप मेरा वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हम बहुत सारे अपडेट देते रहते हैं कि जो भी हम पीसेस बनाते हैं वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ज़्यादा करीब है 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 100K कंप्लीट कर दीजिए। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मेरा पहले वाला वीडियो जाके देखिए, मैंने उस वीडियो में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है और बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बना के रखा है। सो इस तरीके से और भी हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।